हेलो दोस्तों, दिस इज राजू एंड वेलकम बैक टू एनिम राज। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी के लिए खूबसूरत सा मैसेज आया है। अब वो मैसेज किसने भेजा है ये तो मैं आपको बताने वाली हूँ, पर फिलहाल मैं थोड़ा बहुत आप सभी को हिंट देने वाली हूँ। जी हाँ, जिन्होंने हमारी कहानी लिखी इस प्यार को क्या नाम हो, आदि पुरुष अंजाम जैसी ब्लॉकबस्टर कहानियां, उनकी राइटर आप सभी से रूबरू हो रही है, यानी कि कह सकते हैं आप सभी के लिए उन्होंने खास मैसेज भिजवाया है। अब वो मैसेज क्या है, चलिए आपको दिखाती हूँ। सपना देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, पर वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एनिम कहानियों। दोस्तों, जिंदगी में सपने हम सब देखते हैं, पर बहुत बार वो सपने हकीकत बनने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी कोई घटना हो जाती है जो कहीं ना कहीं हमें फिर से हमारे उन्हीं सपनों के पास वापस पहुंचा देती है। ऐसी ही सपनों पर बेस्ड एक कहानी हम लोग अपने चैनल पर लाने जा रहे हैं, जिसका नाम है छूना है आसमान। हो सकता है इस कहानी को देखकर आप सब भी अपने उन सपनों के पास लौट जाएं जो कहीं ना कहीं आपके मन में तो है, लेकिन हालातों ने और आजकल की हमारी सोसाइटी ने उन्हें हमसे दूर कर दिया। तो देखना ना भूलिए हमारी नई कहानी छूना है आसमां, सिर्फ अपने चैनल एनिम स्टोरीज पर। उम्मीद करते हैं हमें आपका पूरा प्यार और सपोर्ट मिले। तो ये थी हमारी लव सिटी की राइटर जिनका नाम है साक्षी। तो ये था आप सभी के लिए उनका मैसेज, कैसा लगा? तो आप सभी ने उनके पास सुनी ना कि नई कहानी आने वाली है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी एनिम स्टोरी की। एनिम स्टोरी पे आप सभी को हमारा नया एपिसोड यानी कि नागिन की शिव भक्ति का पहला एपिसोड देखने के लिए मिल चुका होगा। तो बताइए कैसा लग रहा है नया एपिसोड, कुछ मजा आ रहा है, सस्पेंस बना कि नहीं बना? तो आप लोगों में से अभी तक हमारा पहला एपिसोड जिसने नहीं देखा है, जल्दी से जाइए एनिम स्टोरी पे। नागिन की शिप यानी कि हमारा सावन स्पेशल एपिसोड डल चुका है, जाइए जाके उसे देखिए और फिलहाल वेट कीजिए क्योंकि अगला एपिसोड अभी बन रहा है, वो भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं लव सिटी की। लव सिटी पे आप सभी कहानी छोटी मां चल रही, जिसको आप लोगों ने खूब 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 पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नई कहानी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, आप लोगों ने अफसर वीर का टीजर देख लिया? जी हाँ, वो आ चुका है हमारे एनिम राज पे। नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो भी देखिएगा। और आप सभी को उसका प्रोमो कैसा लगा? कहानी भी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है। फिलहाल उसका आज एपिसोड नंबर 1 डलने वाला है, तो वो देखना, मुझे भी बताना कैसा लगा। नई कहानी है, कुछ कुछ नई चीजें जो आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है और बहुत कुछ है देखने को। फिलहाल जब इसका पहला एपिसोड आएगा तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगने वाला है। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं हमारी काका टीवी की। काका टीवी पे आप सभी को देखने के लिए मिल चुका होगा तूला बिकता है का एपिसोड नंबर 4। कैसा लगा आप सभी को एपिसोड नंबर 4? कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। फिलहाल इसका लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 5 जो है वो तैयार हो रहा है, जो मैं आपको अभी बिहाइंड द सीन में दिखाने वाली हूँ। कहानी कैसी लग रही है? इंटरेस्टिंग लग रही है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए, जल्द ही आप सभी के लिए लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 5 भी हम लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरर सिटी की। हॉरर सिटी पे आप सभी को 3 ट्रू सुपरमार्केट स्टोरी देखने के लिए मिल चुकी होगी। कैसी लगी स्टोरी? मजा आ रहा है पैरानॉर्मल किस्से सुनने में? ऐसे ही कई सारे किस्से लेके हम आप सभी के लिए आएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक हमारी सुपरमार्केट की सीरीज को नहीं देखा है, तो जल्दी से जाइए आप हमारी वो कहानी देखिए, काफी ज्यादा आप सभी को पसंद आने वाली है। फिलहाल नई कहानी के थोड़ा वेट कीजिए, जल्दी आएंगे नई कहानी के साथ। तो ये तो हो गई अपलोडिंग सेक्शन की बारी, ये चलते हैं देखते हैं हमारे लास्ट ब्लॉग में हमें क्या क्या कमेंट्स मिले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले कमेंट से। पहला कमेंट हमारे पास आया है, नागिन एक अधूरी तलाश सीजन 10 के ऑल एपिसोड अपलोड कर दीजिए, अब तक नहीं आया है, 5-6 मंथ्स हो गए हैं, अब तक ऑल एपिसोड अपलोड हो जाना चाहिए था। ठीक है, अभी मैं इसको चेक करती हूँ, देन आई विल लेट यू नो कि क्या चीज है। और थैंक यू फॉर कमेंटिंग अस। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट, सीता बनी अफसर बीवी, वाओ थैंक्स फॉर माय फेवरेट कपल लाने के लिए सीता शर्मा। हाँ थैंक यू, आज उसका पहला एपिसोड आने वाला है तो उसको तो बिल्कुल मिस मत करिएगा और कमेंट के जरिए जरूर बताना एपिसोड 1 कैसा लगा। नेक्स्ट है दीदी, छोटी माँ के ऑल एपिसोड अपलोड कर दीजिए। सो छोटी माँ के जो अपलोड हो रहे हैं वो एपिसोड को 5-5 एपिसोड एक साथ अपलोड हो रहे हैं, यानी कि पहला जो डला था 1-5 था, देन 6-10 डला है, जो लास्ट डला था वो है 11-15। सो ऐसे पार्टीशन में जो है हम लोग उसके ऑल एपिसोड एक साथ अपलोड कर रहे हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, नागिन की शिव भक्ति लगता है बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है। वेलकम, आई लव यू एनिम स्टोरी, इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी आने वाली है। जी हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, देखना। और आप लोग तो वैसे भी नीलम और कनिष्क के इतने बड़े फैन हैं, तो देखना कैसा लग रहा है। एपिसोड 1 में हम लोगों उन दोनों को साथ में देखा है, तो उम्मीद करती हूँ काफी ज्यादा पसंद होगा। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमेंट जो आया है। नागिन की शिव भक्ति का एपिसोड ट्रेलर और एपिसोड 1 भी देखा, बहुत ही खूबसूरत है। ये तो अगर झांकी है तो आने वाले एपिसोड में कितना ट्विस्ट और टर्न की झांकियां देखने को मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। आगे आने वाली कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ है। ऑब्वियसली एंड स्टोरी है, तो इजीली तो सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला, ऑब्वियसली कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। सो वेट कीजिए, अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। सो अब पढ़ते हैं अगला कॉमेंट। छोटी माँ ऑल एपिसोड कब डालेंगे, इज अ बेस्ट स्टोरी। छोटी माँ में अलग अलग चेहरे कैसे बनाते हैं, दिखाना प्लीज। तो अलग अलग चेहरे, एक तो होता है एनिमेशन में, दूसरा होते हैं हमारे कैरेक्टर्स जो बनते हैं। सो आप सभी को, वो तो सब एनिमेशन का हिस्सा है, जैसे जैसे एनिमेशन होता है आप सबको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कॉमेंट पढ़ते हैं। दूल्हा बिकता है एपिसोड 4 अभी देखा, बहुत बुरी हालत है अनु की। संजय अपनी बहन अनु के बीच के पैसे कमा कर अपनी मौत को दावत दे रहा है। सो इतना ज्यादा कनेक्टिव फील आप हमारी कहानी के साथ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको बिल्कुल रियल की तरह देखते हैं। कहानी बहुत मोरल स्टोरी है, मोरल पे बेस्ड है कि दूल्हा बिकता नहीं, कैसी चीजें होती हैं। फिलहाल लास्ट एपिसोड आने वाला है, तो वो देखना और फिर मुझे बताना कि आपको पूरी कहानी एक साथ कैसी लगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लीज नागिन की शिव भक्ति एपिसोड 4-5 एपिसोड पर बंद मत करना। सो अभी तो कहानी आ रही है, मुझे भी नहीं पता कि टोटल कितने एपिसोड है। सो अभी तो वेट कीजिए और कहानी का मजा लेते रहिए जितने भी एपिसोड की होगी। सो ये तो हो गई कमेंटिंग सेक्शन की बारी, अब चलते बिहाइंड द सीन की तरफ और देखते हैं आपकी कहानी कहां तक पहुंची है। यहाँ आप देख सकते हैं अफसर बीवी का एपिसोड 1 जो है एनिमेशन हो रहा है। ये वही एपिसोड है जो आज शाम को आप देखने वाले हैं। यकीन माने कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, काफी कनेक्टिव फील होगा आपको इसको देख के। आप सब कुछ देख चुके हैं, अब बारी है आपका एपिसोड देखने की, तो एपिसोड देखे और फिर हमें फिर बताइए आपको हमारी नई कहानी अफसर बीवी कैसी लग रही है। नेक्स्ट आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये है दूल्हा बिकता है का लास्ट एपिसोड, यानी कि एपिसोड नंबर 5 जो अभी एनिमेशन हो रहा है। जल्द ही आप सभी को ये एपिसोड देखने के लिए मिलने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये पूरी की पूरी कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। सो अभी आप वेट कीजिए, इसका लास्ट एपिसोड जल्द ही डलेगा, जब डलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये है छोटी माँ का थंबनेल, जो आगे की कंबाइन एपिसोड डलने वाले हैं, उसका थंबनेल तैयार हो चुका है। फिलहाल कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी छोटी माँ की पूरी सीरीज कैसी लगी। तो देखा आपने बिहाइंड द शॉट, आप सबकी नई कहानी अफसर बीवी आ जाने वाली है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। फिलहाल आज का ब्लॉग इतना ही, हमारे साथ देखते रहिए एनिम राज।